पार्टी स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं कि कुछ दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। ल्यूक नाम का उनका एक दोस्त आता है जो उस पार्टी में क्रिस और पॉल को नशा देता है और वो लोग नशा करने लग जाते हैं। और उस पार्टी में फ्लिक्स उनका दोस्त भी आता है, वो बहुत सीधा और अच्छा होता है। ल्यूक उसे भी नशा दे देता है। तभी वहाँ पर ट्रुथ और ट्रेट गेम शुरू हो जाता है। वो लोग आपस में वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। पहला चैलेंज क्रिस के पास आता है, वो डेयर चुनता है। उसे ट्रेन में अपनी गर्लफ्रेंड को उल्टा करके घुमाना होता है, वो घुमा देता है। अगला चैलेंज फ्लिक्स को आता है, उसे किसी लड़की को मूवी देखने के लिए कहना होता है। वो क्रिस की गर्लफ्रेंड को कह देता है। तभी क्रिस को गुस्सा होकर उसे एक पंच मार देता है और फ्लिक्स वहाँ से भाग जाता है। सभी दोस्त क्रिस से नाराज होते हैं, वो क्रिस पर गुस्सा करते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड भी उस पर गुस्सा होकर उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। कहानी कुछ मंथ आगे की दिखाती है जिसमें सभी को फ्लिक्स के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिलता है। वो सभी उसके घर की ओर निकल जाते हैं। पार्टी उसके घर से दूर एक सुनसान जगह पर होती है। वो लोग वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि वहाँ फ्लिक्स नहीं है। वहाँ पर फ्लिक्स का भाई जस्टिक आकर सबका वेलकम करता है और कहता है कि पार्टी में फ्लिक्स नहीं आ रहा है तो यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जस्टिक कहता है कि चलो हम लोग अपनी छोटी सी पार्टी करते हैं। वो लोग फिर से वहीं पर वो ट्रूथ और डेयर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वो लोग बोतल घुमाते हैं और फ्लिक्स का भाई जस्टिक ट्रूथ चुनता है। वो सबको बताता है कि फ्लिक्स ने सुसाइड कर ली। वो फौज में था और जब वो घर आया तो देखा कि उसका भाई लटका पड़ा है। वो एक पार्टी में गया था जहाँ पर किसी ने उसका मजाक उड़ाया और उसने सुसाइड कर ली। सभी को यह सुन के दुख होता है। वो सभी को एक पर्ची दिखाता है, उस पर ट्रुथ और डेयर लिखा होता है। वो सभी से पूछता है कि बताओ ये किसने भेजी, पर सभी कहते हैं कि हमें नहीं पता और वो लोग वहाँ से जाने लगे हैं। तभी जस्टिक पॉल के पैर में गोली मार देता है और सभी को कुर्सी से बांध देता है, बस ल्यूक को छोड़कर, क्योंकि उसे उस पर कोई शक नहीं होता, बस उसे चारों पर शक होता है। वो सबसे कहता है कि बता दो किसने भेजा, नहीं तो हम वही गेम खेलेंगे और एक एक करके सभी की जान चली जाएगी। और वो गेम फिर से स्टार्ट कर देता है। जीमा का नंबर आता है, वो उससे पूछता है कि बताओ किसने वो लेटर भेजा। वो कहती है मुझे नहीं पता। वो उसे एक जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि सच सच बोलो, तुम्हें किस पर शक है। वो क्रिस का नाम लेती है। क्रिस फिर से कहता है कि मैंने नहीं भेजा। इस बार क्रिस का नंबर आता है और क्रिस डेयर चुनता है। जस्टिक एक पाइप लेता है और उसके दो कनेक्शन लगा देता है जिसमें से एक में पानी होता है और दूसरे में तेजाब। वो पाइप क्रिस की गर्लफ्रेंड जीमा के मुंह में लगा देता है और कहता है कि बताओ कौन सा स्विच ऑन करूं। वो कुछ नहीं बोलता। जस्टिक कहता है बताओ, नहीं तो मैं खुद ही तेजाब वाला ऑन कर दूंगा। वो फिर एक स्विच चूज कर लेता है और उसमें पानी होता है और उसकी गर्लफ्रेंड जीमा की जान बच जाती है। अगला नंबर एलनोर का होता है, वो ट्रुथ चुनती है। वो उससे कहता है कि पता अब ये पानी और तेजाब वाला एक्सपेरिमेंट किस पर किया जाए। वो पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर वो क्रिस का नाम ले लेती है। अब वो पाइप क्रिस के मुंह में लगा देता है और पॉल से पूछता है कि बताओ कौन सा स्विच ऑन करूं, लेफ्ट या राइट। वो लाइट ऑप्शन चुनता है और उसमें तेजाब होता है जिस कारण क्रिस की जान चली जाती है। अब वहाँ बस वो तीन लोग बचते हैं। तभी वहाँ उनका एक और दोस्त आता है। जस्टिक ल्यूक को बाहर जाने के लिए कहता है, उनका वो दोस्त नहीं मानता। वो लोग उसे भी गोली से मार देते हैं। इतने में वहाँ से जीमा भी भाग जाती है। जस्टिक ल्यूक को वहाँ छोड़ जीमा का पीछा कर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। जीमा भागते भागते फ्लिक्स के घर पहुँच जाती है जहाँ वो देखती है कि फ्लिक्स बेड पर कोमा में पड़ा है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी जीमा को मारने आता है। जीमा उसे भी गोली मार देती है। तभी वहाँ उनका भाई जस्टिक भी पहुँच जाता है जो कि जीमा को खत्म कर देता है। दूसरी ओर देखते है कि वो लोग ल्यूक को रस्सी खोलने के लिए कहते हैं। ल्यूक नहीं खोलता। फिर ल्यूक बातों बातों में मान लेता है कि वो लेटर उसने ही भेजा था, वो बस एक मजाक था, मुझे क्या पता था कि ये कोई सुसाइड कर लेगा। और वो ये कहकर नशा करने लगता है। एलनोर कहती है कि मुझे भी ड्रग दो। वो जैसे ही देने जाता है
वो उसकी उंगली खा जाती है और उसे पीछे धक्का देती है। तभी एलनोर की रस्सी खुल जाती है और ल्यूक गलारी पर गिर जाता है और मर जाता है और वो भागने लगती है। तभी जस्टी अपने भाई फिलिक्स को लेकर आ जाता है। एलनोर जस्टी को गोली मार देती है, जस्टी भी उसे मारता है। पॉल पीछे से आकर जस्टी पर अटैक कर देता है और वो सब उसे बता देती है कि वो लेटर ल्यूक ने भेजा था। तुम्हारा भाई हमारा कभी दोस्त भी नहीं था, उसने हमारे कारण नहीं तुम्हारे कारण सुसाइड की थी क्योंकि वो तुमसे नजर नहीं मिला सकता था। फिलिक्स अपनी आंखों से इशारा कर हाँ कर देता है। उसके भाई को काफी दुख होता है। एलनोर एक बम की फिलिक्स के हाथ में फंसा कर वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिलिक्स और उसका भाई वही बम ब्लास्ट से मर जाते हैं और वो लोग जीमा की डेड बॉडी साथ ले जाते हैं। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।